पूनम डांस स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कश्यप सॉन्ग के ऊपर पैरों के स्टेप। यानी आप जहाँ भी शादी पार्टीज में, बर्थडे पार्टीज में, डीजे फ्लोर पे जहाँ भी डांस करती है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ मैशअप सॉन्ग चलते हैं। यानी एक सॉन्ग के बाद दूसरा सॉन्ग आता जाता है, कंटिन्यू आ रहा होता है, रेगुलर सॉन्ग चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आता कि यार हम हमारे पैरों को कैसे चेंज करें, हम कौन सा स्टेप चेंज करें, कौन सा स्टेप ना करें, तो समय समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आप घबराइए मत, आज का मेरा वीडियो उन्हीं पैरों के स्टेप्स के ऊपर है। सॉन्ग कोई भी प्ले हो रहा हो आपके उसपे, अगर आपके मैशअप सॉन्ग में वेस्टर्न सॉन्ग चल रहे हैं, तो आपके जो पैरों के स्टेप्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो ऐसे है कि आप हर सॉन्ग के साथ उनको कर सकती हैं आराम से। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारे आज के स्टेप्स क्या है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहती हैं, रियल में चाहती हैं कि आप डांस सीखें या आप भी पार्टी में सबके साथ डांस कर पाए, एंजॉय कर पाए, तो प्लीज मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगी कि पैरों का कोई बेसिक एक स्टेप नहीं होता है डांस सीखने के लिए। पैरों के बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, बस उनमें जो ज्यादातर यूज होते हैं, आज मैं आपको वही स्टेप सिखा रही हूँ जो ज्यादातर डांस में काम आते हैं। कुछ पैरों के 5 बेसिक मूवमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप सीख लेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, आप भी पहुंचना कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाती हूँ आज का हमारा पहला पैरों का स्टेप है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पैरों का बेसिक स्टेप है जिसमें हमें यह करना है, पैर को ओपन और क्लोज करना है। यानी हमको हमारे, ये मेरा राइट साइड है एंड ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो मैं सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को खोल रही हूँ, ओपन एंड क्लोज मतलब पैर को बंद करना। फिर राइट में ओपन किया, दोनों पैर को बंद कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, आराम से एक हल्की सी बॉडी झुक गई एंड बैक, दो हल्की सी बॉडी झुक गई एंड बैक। अगर आपका म्यूजिक स्लो है तो आप आराम से करिए, आराम से, और अगर आपका म्यूजिक फास्ट है तो आपको थोड़ा जल्दी पैर रखना होगा। देखिए, एक बैक, दो बैक, तीन बैक, चार बैक। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको हाथों के स्टेप नहीं सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको जो पैरों के स्टेप सिखा रही हूँ उन्हीं पे मैं अगले अपने वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन पैरों के साथ आप कौन कौन से हाथ चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी हमारा दूसरा स्टेप है जिसमें हमें यह करना है, हमें हमारे पैर को आगे रखना है और वापस अपनी जगह पर लाना है। यानी सबसे पहले मैं अपने राइट पैर को आगे रखूंगी एंड वापस लाऊंगी, लेफ्ट को रखूंगी, वापस लाऊंगी, राइट को रखूंगी, वापस लाऊंगी, लेफ्ट को रखूंगी, वापस लाऊंगी। देखा कितना इजी है, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, आराम से, बहुत आराम से। ये देखिएगा, ये देखिए, अब इन पैरों के साथ जो कमर चेंज होती है वो हमारे स्टेप के ऊपर डिपेंड होती है कि हम हाथों को किस तरह से यूज करते हैं, उससे हमारे कमर के मूवमेंट्स आते हैं। अब फ्रेंड्स, इसी में हमारा अगला स्टेप है जिसमें हमें यह करना है, हमारे पैर को पीछे, यानी राइट पैर को पीछे की तरफ रखना है, इस तरह से पीछे, और वापस आना है, फिर लेफ्ट को रखना है पीछे, वापस आना है, राइट को रखना है, वापस आना है, लेफ्ट को रखना है, वापस आना है। देखिएगा, एक बैक, दो बैक, तीन बैक, चार बैक। और फ्रेंड्स, इसी में हमारा आज का चौथा स्टेप है जिसमें हमें हम क्या करना है, हमारे पैर को दो बार, टू टाइम्स मारते हुए रखना है। देखिए, एक, यानी मैंने जिस पैर को रखा दो बार मारा है, एक दो, फिर इस तरफ घूम जाऊंगी, तीन चार, फिर वापस पांच छह, वापस सात आठ। फ्रेंड्स, आपको लगेगा ये तो मैंने पहले भी सिखाया है पंजाबी मूवमेंट्स के साथ, तो हाँ फ्रेंड्स, लेकिन वो पंजाबी मूवमेंट्स में हमारे पैर इस तरह चलते हैं, काफी ऊपर हाइट करते हैं, लेकिन इसमें नहीं, इसमें सिर्फ एक दो तीन चार, देखिए एक दो, हल्का सा, तीन चार पांच छ सात आठ, फिर देखिएगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, इस तरह से। समझ में आया आपको फ्रेंड्स, मैंने अपने राइट लेफ्ट लेग को थोड़ा सा खोला है और दो बार रखा है, अगेन मैं हल्का घूमी हूँ राइट की तरफ, फिर ये राइट को रखा है, अगेन लेफ्ट की तरफ, अगेन राइट की तरफ। फ्रेंड्स, राइट और लेफ्ट
दोनों पैरों में से आपको जो समझ में आए आपको सीधा करना है या उल्टी साइड करना है, जिस साइड भी करना है। ऐसे करना है स्टार्ट तो उसकी तरफ करिए, लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो उस तरफ करिए। समझ में आए फ्रेंड्स? बस मार के ऐसे घूमते रहिए। और फ्रेंड्स इसी में मेरा अगला पांचवा स्टेप है, जिसे हमें करना है दोनों पैरों को इक्वल करना है, रखना है और बहुत हल्का सा बॉडी को जंप करना है। इस तरह देखिए, देखिए आपको शायद पीछे भी अच्छा समझ में आया, मेरे पैरों को देखिएगा, मेरे दोनों हील्स को देखिए, इस तरह देखिए हल्का सा, ये देखिए हल्का मैं अपने आप को बाउंस कर रही हूँ ऊपर की ओर। अब इसको हल्का सा राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड, कभी इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, इसमें बॉडी बाउंस करती है इस तरह से देखिएगा। ये देखिए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और फ्रेंड्स इसी में हमारा अगला स्टेप है। और फ्रेंड्स भी अगर ना हमें एक पैर को अप करना है उसके रखे पे दूसरे को, ये देखिएगा एक दो, यहां से देखिए फ्रेंड ये मैं आप फिर देखिएगा, मैंने अपने राइट लेग को उठाया, राइट को रखने के बाद तुरंत लेफ्ट को, देखो राइट के रखे से लेफ्ट इस तरह, ये देखिएगा इस तरह पैर को चेंज किया है। ये अगर मैं दूर देखिए साइड से देखा जाओ आपके पास, ये देखिएगा इस तरह, यानी एक पैर को आपको अपने टोज पे रखना है, उसके बाद जैसे ही अपने लेफ्ट लेग को रखोगी राइट को उठाना है, पर चेंज झटके से होना चाहिए, एक तो खाली ऐसे से करना है, ये देखिए नहीं ये गलत है, आपको ये पैर घुमा झटका, देखा? अगर आप नोटिस करेंगे फ्रेंड्स तो आपको मेरी बॉडी में एक बाउंस दिखेगा चेंज कर समय, ये देखिएगा अभी देखिएगा, ये देखिए इस तरह एक। आज के मेरे ये है पैरों के कुछ स्टेप्स, इनको मैं एक बार आपको म्यूजिक के साथ करके दिखा देती हूँ कि किस तरह मैंने पैरों के मूवमेंट्स किए हैं। किस तरह मैंने पैरों के मूवमेंट के साथ हाथों को यूज किया है तो जिससे आप आसानी से अपने डांस के स्टेप कर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड कीप डांस।